हेलो हेलो। हाँ तो भाई गुड, तुम्हें आवाज़ आ रही है? उम्मीद आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, तुम्हारा फिर से स्वागत है आज मेरे ख्याल से। भाई हम भूल गए, हमें याद नहीं कौन सा दिन है। मेरे ख्याल से आज तीसरा या चौथा दिन होगा, इतना तो हम श्योर हैं, मतलब श्योर 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 हैं। तो सीन ऐसा है, तुम्हें बता दें कि आज जो हमने सुबह तुम्हें बता ही दिया था, जब तुम हमें रनिंग करते हुए देख रहे होगे, तो हमने धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाई है। इंटेंसिटी एज एन की अब उसकी पेस हमने थोड़ी सी तेज़ की है कार्डियो की, क्योंकि क्या था, शुरू के हमने एक दो दिन एब्डोमिनल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमें एब्डोमिनल ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड हम फिक्स रख रहे हैं, एज इन कि 6:15 से लेके 6:15 से करीब हम मान के चल सकते हो घर से अगर निकलते हैं। फिक्स नहीं है, लेकिन हम मान के चल लो कितना टाइम दे रहे हैं उसको, करीब 45 और 15 से 20, मतलब 1 घंटा 10 मिनट के आसपास हम पूरे सेशन को दे रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, इससे पहले हम सिर्फ लाइट स्पीड करते थे या फिर स्लो पेस कह लो, तो उसमें सिर्फ हम वॉक कर रहे थे करीब 50-60 मिनट जो भी था पीरियड। लेकिन अब हमने क्या सोचा है कि अब उसको पेस को तेज करते हैं और हमने एब्डोमिनल अब ऐड किया है। तो अब हम एब्डोमिनल का भी तुम्हें आइडिया दे दें, अभी हम सिर्फ बेसिक क्रंचेस और लेग रेजेज ही कर रहे हैं और रशियन ट्विस्ट कह लो, सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेज अभी हमने ऐड करी हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में जब हम जिम ज्वाइन करें, चांसेस हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें लगता है कि जब हमें ये रिक्वायरमेंट होगी कि अब हमें कैलोरीज ट्रैक करनी है कि कितनी कैलोरीज हम एक्चुअल में बर्न कर रहे हैं और उसमें हम ज़्यादा बर्न कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो उस पेस के लिए हमें क्या कहते हैं, उसमें हमें टाइम भी कम होगा, प्लस जिम में अगर हम करेंगे तो आप वेटेड वगैरह भी होंगे, तो वेटेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि जो क्रंचेज होती हैं, केबल क्रंचेज वगैरह या फिर डिक्लाइन क्रंचेज होती हैं, वो हम जिम में ही कर सकते हैं, वो नॉर्मली तुम घर पे या फिर कहीं पार्क वगैरह में भी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ भी है, तो इसके लिए अब हमने अपने कार्डियो की इंटेंसिटी बढ़ाई है। अब इसको हमने कोशिश ही किया है, हम अपना फाइनल टारगेट अगर तुम्हें बताएं, कोशिश हमारी यही रहेगी, काउंटर पर बैठना सही है कि नहीं हमें तो ये भी नहीं पता, चलो बैठते नहीं है। तो हम तुम्हें एंड गोल यही कहेंगे कि अभी जैसे हमने आज 2 राउंड लगाए हैं करीब 1200 मीटर टोटल, तो उसको हम 2 किलोमीटर तक लेके जाना चाह रहे हैं। एंड गोल हमारा यही होगा कि 3 राउंड हम ईजिली लगा पाएँ, 1800 मीटर ही होगा, 1200 मीटर और 1800 मीटर, 1200 मीटर पे भी हमें 1800 मीटर जा सकते हैं एक एक्स्ट्रा पुश के साथ। तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे, मंडे नहीं तो ट्यूसडे को ज़रूर वो होगा, ट्राई ज़रूर करेंगे। थोड़ा होता क्या है कि स्पेशली तुम्हारा बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये एक्टिविटीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने इसके बारे में बताया भी था कि मोबिलिटी तुम्हारी कम होती है, इवन जो हमने पहले तुम्हें बताया था कि हम पीछे से नमस्कार कर लेते थे इस तरीके से, अभी भी हो जाता है एजन कि हाथ पीछे ऐसे जोड़ो और लेके चले जाओ, ये तुम देख रहे होगे, तो अभी ये टच नहीं होता हमारा। लेकिन जब हम प्रॉपर कट पे होते हैं, जब हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, तब हम ईजिली कर पाते हैं। ट्राई मत करना, पहले ही बता दें, तुम में से कई लोग अभी ट्राई करोगे और होता इससे ये कि ट्राई करते करते इंजरी होती है। ऐसे हमने एक वीडियो में भी शेयर किया था रील में, तो लॉन्डो ने ट्राई किया और फिर हमें बता रहे हैं भाई हमें तो चोट लग गई, हमारा कंधा दर्द करने लग रहा, तो ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि हर किसी की मोबिलिटी इतनी होती नहीं होती हमारी, फिर भी हम कहते हैं ठीक है, स्पेशली शोल्डर मोबिलिटी वगैरह देखी जाए, तो इसलिए हम कुछ मूवमेंट ये कर लेते हैं। अब थला वेट भी देखो कितना निकल आया है कि हम हाथ टिकाने लग रहे हैं इस पर, तो हमें यही कम करना है। बाकी यही मेन चीज़ थी आज के पूरे दिन की जो हमें तुम्हें बतानी थी कि अब इंटेंसिटी में बढ़ानी है, एब्डोमिनल रूटीन हमने ऐड कर दिया है, क्या क्या एक्सरसाइजेज ऐड करी हैं, जो कि बेसिक तुम्हारी क्रंचेस, तुम्हारी लेग रेजेस और रशियन ट्विस्ट, यही 3 मूवमेंट्स अभी हमने सिर्फ ऐड किए हैं, 3-3 सेट 20-20 रैप्स, यही सब चीज़ें अभी हमने करी हैं बस भाई। बाकी तुम्हें बता दें आज तुम वर्कआउट सेशन जो देखने वाले हो वो होगा आज लेग्स डे, हम हैमस्ट्रिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सेकंड सेशन में, तो वो चीज़ आज तुम देखोगे, वो देखना बताना कैसा लगा। अच्छा भाई अभी जस्ट हम कार्डियो करके निकल रहे हैं, तो सीन ऐसा भाई जब भी अगर तुम 100 किलो से ऊपर होते हो तो साला 1.5 किलोमीटर में तुम्हारी क्या कहते हैं ना कुत्ते बन जाते, साला ऐसे आता मतलब टोटल देखा जाए करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा रहता है, बट जो 2 600 600 के राउंड हैं वो हम प्रॉपर रनिंग करके जैसे लेते हैं थोड़े से, यानी फास्ट कह सकते हो, फास्ट तो नहीं कहेंगे बट हाँ डिसेंट कह सकते हो, वही उसमें कुत्ते बन जाते हैं हम, पर धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। पहले दिन हमने 1 राउंड किया था, दूसरे दिन हमने 2 किए थे और वो गैप पे किए थे, लेकिन आज 2 लगातार किए हैं और कल तो संडे है वैसे, पर ट्राई करेंगे 2.5 राउंड लगा सकें, मतलब करीब कितना 600 1200 1500 यानी करीब 1.5 किलोमीटर। ओके भाई तुम्हारा फिर से स्वागत है एक और नए
ब्लॉग में कह लिया वर्कआउट सेशन में, तो आज हमें लेग्स ट्रेन करनी है एंड मेजर फोकस करना है आज हमें हैमस्ट्रिंग पे, क्वाड्स पे नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही मूवमेंट करना होगा क्वाड्स के लिए जो कि होने वाला है लेग प्रेस। बाकी जितनी मेजर मूवमेंट्स होंगे तुम्हारे हैमस्ट्रिंग के होंगे प्लस तुम्हारे इनर थाई और काफ्स, ये ही इन पे ज़्यादा फोकस करना है आज हमें। तो टोटल 5 मूवमेंट होंगे जो मेजर मूवमेंट्स होंगे, जिसमें से एक होगा क्या कहते हैं लेग प्रेस, बाकी के एक होगी हैमस्ट्रिंग कर्ल, देन हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट, देन शायद बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट भी करें, देन बाकी के अपने एडक्टर और एबडक्टर वो 2 मूवमेंट रहेंगे, बाकी के आखिरी में 2 काफ्स के मूवमेंट। तो फिलहाल तो यही प्लान है, बाकी सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा तो वो तुम देखोगे बाहर। तो पहला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल, इस पर थोड़ा आज अच्छे से करेंगे क्योंकि मोस्टली क्वाड्स वाले दिन ही करते थे, बट अब क्योंकि डेडिकेटेड हैमस्ट्रिंग डे है तो इसको अच्छे से करना है। इसमें मेरे ख्याल से 5 सेट जाएंगे जिसमें एक वार्म अप होगा, आखिरी का ड्रॉप भी पकड़ेंगे ताकि अच्छे से पुश कर पाएँ, बाकी शुरू हल्के से करेंगे। तो बेसिकली एक वार्म अप होने वाला, 4 वर्किंग सेट होंगे। अभी हमने वर्किंग लंजेस भी किया है थोड़ा सा, एक तरीके से तुम्हारे जो क्या कहते हैं हीट जॉइंट्स होते हैं या लोअर बॉडी में जितने जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट में आ जाते हैं, तो उसके लिए वॉकिंग लंजेस काफ़ी सही है। देन उससे पहले अलग से वार्म अप भी करते हैं मोबिलिटी के लिए, बट ये ज़्यादा सही है। तो ये आखिरी सेट होगा और ये ड्रॉप सेट है, कोशिश ये करेंगे कि हर एक सेट में 10 आ सकें और 2 प्लेट ड्रॉप करेंगे, मतलब कि अभी जैसे 81 पे है, फिर 67, फिर 53, लेकिन आखिरी के 4 सेट में एक तरीके से सीक्वेंस में लेके जाएंगे। अगला मूवमेंट करना है लेग प्रेस, मज़ा आ गया ड्रॉप सेट में, लेकिन बहुत टाइम बाद हमने क्या कहते हैं लेग प्रेस पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड ड्रॉप सेट किया है तो काफ़ी सही था। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे, थोड़ा सा डेप्थ फोकस करेंगे, रैप्स भी यूज़ करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे ताकि वो डेप्थ में हेल्प दे सके। ओके भाई, इस बार एक चीज़ और है कि अगर हमें लेग्स की सिर्फ बात करें तो हमें अपनी ओवरऑल बॉडी की बात करें तो हमें लेग्स पे साइज़ ठीक है, मतलब कि हम साइज़ सही पाते हैं श्रेडेड होने के बाद भी, लेकिन वो जो सेपरेशन होता है जो तुम्हारा क्या कहते हैं क्वाड्स के बीच में एंड बाकी मसल्स में लेग्स में स्पेशली, तो वो इतना विजिबल नहीं होता डेप्थ के साथ, मतलब होता है कि हम जब प्रॉपर लीन होते हैं तब तो देख पाते हैं, बट एज इन जनरल भी अगर जितना हमारी अपर बॉडी पे फैट कम दिखता है उतना लोअर बॉडी पे ज़्यादा नहीं दिख पाता, तो इस बार उस पर ही फोकस करना है हमें कि जो हम श्रेड करें तो उसमें हमारा सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए पिछले साल की प्रेप के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ थोड़ी सी क्या कहते हैं लंबे समय तक जब तुम श्रेडेड रहते हो तब वो चीज़ बिल्डअप होती है, तो इस बार उस चीज़ पर ही फोकस करना है हमें। Thank you.
तो तुम देख पा रहे हो सेकेंड मूवमेंट हैमस्ट्रिंग का जो करने वाला है वो है ये हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट कह लो, लेकिन इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैवी इसमें नहीं आते हो, बट एक जो अच्छा स्ट्रेच मिलता है तुम्हें स्पेशली बॉटम पे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होता है, जिसमें तुम अपने नीज़ पे कम से कम टेंशन दे पाओ, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा बैंड नहीं करना है, और जितनी हो सके हैमस्ट्रिंग को तुम अपने स्ट्रेच होते हुए पाओ, जो कि मोस्टली तुम अपने जब नीज़ लॉक होती हैं थोड़ी सी देन उस पोजीशन में जब तुम जाते हो नीचे तब तुम अपने हैमस्ट्रिंग को सबसे ज़्यादा स्ट्रेच पाते हो, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो जो अगला मूवमेंट करने वाला है वो तुम्हारे इनर थाई के लिए है। अगेन इसको हमने बाहर की तरफ रखा हुआ है, पहले इनर थाई करेंगे फिर ग्लूट्स के लिए भी करेंगे। एक तो भाई अब हमें कच्छे लेकर आने पड़ेंगे क्योंकि ये कच्छे में हो रहा है नीचे दो तीन छेद, छोटे छोटे हैं तो मतलब मान के चलो बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं तो दिखता नहीं है, बट फिर भी रिस्क ले सकते हैं, आज या कल में जाके हमें लेके आने पड़ेंगे तीन चार कच्छे। थर्टी, थर्टी वन, थर्टी टू, थर्टी थ्री।